हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे वेज मेयो तवा सैंडविच। इसके लिए मैंने दो प्याज चॉप कर लिया और दो मैंने टमाटर चॉप कर लिया। आपको और कोई सब्जी डालनी हो जैसे कैप्सिकम, खीरा, गाजर, और मैंने कैबेज चॉप कर लिया। इसको मैंने नमक पानी में डाल के रख दिया था थोड़ी नरम होने के लिए। अब इसके पानी निकाल रहे हैं। अब आपको अगर क्रंची खाना है तो नमक मत डालना, ऐसे ही डाल सकते हो। इसके अंदर हम सारे वेजेस मिलाएंगे। अब मिर्ची भी इसमें डाल सकते हो, हरी मिर्ची मैंने नहीं डाला। और डाल रहे हम एक ग्लास मेयोनीज। अब इसमें सीजनिंग के लिए दूसरा इटालियन मसाले डाल सकते हो। और मैंने टोमेटो केचप डाल दिया। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी हो जाएगी। मैंने इसको सिंपल ही रखा है। इसको अच्छे से मिला रहे हम अभी। और मैंने ले लिया ब्राउन ब्रेड। अब व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हो। स्टफिंग भरेंगे इसके अंदर अभी। अब इसमें ओरिगेनो या चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हो। सुबह जल्दी रहती है तो आप ये नाश्ता जल्दी जल्दी बना सकते हो। बच्चों को टिफिन में, शाम के स्नैक्स में भी अब ये दे सकते हो। जल्दी से बन जाती है और खाने में टेस्टी भी है, बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। थोड़ा इसके भर भर के डालना। ये स्टफिंग मैंने बहुत ही सिंपल रखा है, छोटे बच्चे भी खा सकते हैं। इसको अच्छे से दबा के पैन हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें हम अभी घी डाल रहे हैं। इसको दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे घी डाल के। अब इसमें बटर भी डाल सकते हो। मैंने घी यूज़ किया है, देसी गाय की घी, वो भी मेरे घर की बनी हुई। इस घी की रेसिपी मेरे चैनल पे पोस्ट किया है, आप ज़रूर जाके देखें। सीख गए हमारे सैंडविच। हमारी रेसिपी बनके तैयार है, एंजॉय करें।